मैं हूँ रजत मिश्रा एंड स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रजत मिश्रा में। दोस्तों, एज पर योर डिमांड आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष बहुत ही प्यारा एवं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं मैं एक बहुत ही खुशखबरी भरा दोस्तों वीडियो बना लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों आप जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं जितने भी दोस्तों वो हमें बता दूँ उनके लिए कि ABPS दोस्तों जो नोटिफिकेशन था दोस्तों वो आउट हो चुका है ABPS क्लर्क का। तो दोस्तों इसके फॉर्म कब से फिलअप होंगे एंड दोस्तों कब से भरे जा रहे हैं एंड दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एंड दोस्तों कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो दोस्तों उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और फिलअप कीजिएगा अपने ABPS क्लर्क वाले दोस्तों फॉर्म के लिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो सरकारी रिजल्ट है वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी वैकेंसीज कहां पर रहने वाली हैं। दोस्तों जो टोटल वैकेंसी हैं 4,045 हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार में एक भी वैकेंसीज नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 6 हैं। ऐसे ही बिहार में 210 हैं, छत्तीसगढ़ में 84 हैं एंड दोस्तों मैं मेन स्टेट बता देता हूँ आपका, दिल्ली में दोस्तों NCT में 234 हैं, गुजरात में 239 हैं। दोस्तों ये अपने स्टेट वाइज आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश का जो भी है दोस्तों यहाँ पे 674 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसीज़ निकाली गई हैं एंड दोस्तों सेकेंड मोस्ट वैकेंसीज़ हैं दोस्तों महाराष्ट्र में 527। तो दोस्तों ये आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप दोस्तों लैपटॉप या फिर मोबाइल दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मोबाइल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके रखने पड़ेंगे एंड दोस्तों आपका फ़ोटो हो गया उसी बिहार पर स्कैन एंड दोस्तों साइन हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपने मोबाइल में रखने पड़ेंगे, तब आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं अपने ABPS क्लर्क के फॉर्म को। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों अभी आप फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, ओनली रोज दोस्तों रुक जाए 5 से 6 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद दोस्तों फिलअप करी कीजिएगा फॉर्म को, अभी स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये कैसा लगा जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपने भाई रजत को दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद जय भारत एंड दोस्तों प्रिपरेशन करते रहिएगा और जॉब ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।